हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऐसे नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे नए चैनल को विजिट करिए जो सिर्फ मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए बनाए हैं। हमारे नए चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और ये चैनल का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा A regular hexagon of 30 mm side has a corner in HP. Its surface is inclined at 45 degree to the HP and the diagonal through the corner which is in HP makes an angle of 30 degree with the VP. Draw the projection. तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ये हेक्सागोनल प्लेन का प्रॉब्लम है। हेक्सागोनल प्लेन जो कि 30 mm साइड का है, क्वेश्चन में लिखा है हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड हैज अ कॉर्नर इन एचपी। हेक्सागोनल प्लेन का एक कॉर्नर जो है वो एचपी में है। आगे लिखा है सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एचपी। इसका मतलब प्लेन का जो सरफेस है वो 45 डिग्री इंक्लाइन है एचपी के साथ। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वीपी। इसका मतलब जो कॉर्नर आपने एचपी में करे वो कॉर्नर से निकला हुआ डायगोनल वो 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। और यहां हमें बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। बीटा एंगल इसलिए फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डायगोनल इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी। इसका मतलब डायगोनल का ट्रू लेंथ इंक्लाइन है। ये प्रॉब्लम एग्जाम में दो टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में हो कि टॉप व्यू ऑफ डायगोनल इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, ऐसे में आपको बीटा एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओनली डायगोनल इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी बोल रहा है तो ऐसे में आपको बीटा एंगल फाइंड आउट करना कंपलसरी है। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो आपको स्पेशली चेक करना पड़ेगा कि टॉप व्यू ऑफ डायगोनल इंक्लाइन लिखा है या सिर्फ डायगोनल इंक्लाइन लिखा है। अगर टॉप व्यू ऑफ डायगोनल लिखा है तो आपको बीटा एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जो एंगल दिया है वो एंगल आपको ले लेना है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है डायगोनल इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, अगर सिर्फ डायगोनल इंक्लाइन लिखा है तो आपको बीटा एंगल फाइंड आउट करना कंपलसरी है। तो चलो फिलहाल यहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे हेक्सागोनल प्लेन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल प्लेन हैज अ कॉर्नर इन एचपी। तो जाहिर सी बात है हेक्सागोनल प्लेन जो आप ड्रॉ करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप हेक्सागोन ये ऐसा बनाएंगे, ये देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप हेक्सागोन ऐसे बनाओगे या तो आपके पास ये एक और ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी एक हेक्सागोन बना सकते हैं, लेकिन कौन सा हेक्सागोन करेक्ट रहेगा, तो ये जो हेक्सागोन है ऊपर वाला ये हेक्सागोन करेक्ट रहेगा। अभी अभी ये फिलहाल हेक्सागोन रॉन्ग रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इज इन एचपी। अगर कॉर्नर इज इन एचपी या कॉर्नर इज इन वीपी हो तो हमेशा आपको इस टाइप का हेक्सागोन ड्रॉ करना है। आपको ऐसा हेक्सागोन ड्रॉ करना है जिसके लेफ्ट साइड में कॉर्नर हो। तो ये देखिए ये हेक्सागोन के लेफ्ट साइड में कॉर्नर है, ये देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर है। इसका मतलब हम ये हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल एज है, ये देखिए इसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल एज है, तो हम ये हेक्सागोन ड्रॉ नहीं करेंगे। ये हेक्सागोन ड्रॉ कब करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हो अ हेक्सागोनल प्लेन हैज अ साइड इन एचपी या एज इन एचपी या साइड इन वीपी एज इन वीपी, तो आपको ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है। और ये हेक्सागोन कब ड्रॉ करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी या कॉर्नर इन वीपी, ऐसे में आपको ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो फिलहाल हम ये हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे एज अ ट्रू शेप। लेकिन ट्रू शेप आपको ड्रॉ कहां करना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे, तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी। अगर कॉर्नर इन एचपी है तो ट्रू शेप भी हम इन एचपी बनाएंगे, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है जिसे आप समझ सकते हैं कि ट्रू शेप कहां बनेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी, 45 डिग्री टू एचपी, एचपी के साथ सरफेस एंगल दिया है, इसका मतलब ट्रू शेप फिर से एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, इसका मतलब एचपी में। क्वेश्चन में अगर लिखा है साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, एनीथिंग इन एचपी या इंक्लाइन टू एचपी दिया है, तो आपको ट्रू शेप सीधा एचपी में ड्रॉ करना है, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। और अगर इसका उल्टा दिया है तो आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है
कॉर्नर इन वीपी, एज इन वीपी, साइड इन वीपी, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, तो ऐसे में आपको ट्रू शेप वीपी में ड्रॉ करना है, इसका मतलब एक्स वाले के ऊपर, ठीक है, समझ गए। वैसे ये सब कुछ, ये पूरा जो बेसिक है वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ आपको बताए थे। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो अगर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का नहीं देखे हैं तो वो आप याद से देख लीजिएगा, वो देखने से आपके प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनली हमने हेक्सागोनल प्लेन ड्रॉ कर लिया है एज अ ट्रू शेप, ये हमने एक्स वाई लाइन के नीचे, इट मींस हमने एचपी में ड्रॉ कर लिए, इसका साइड भी हमने लिख दिए 30 mm। हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सर्कल ड्रॉ करके हेक्सागोन ड्रॉ करो, या तो आप हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली 120 डिग्री का एंगल यूज करो तो भी चलेगा, चॉइस आपकी है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, वो स्टेप्स हमने इसके पहले के सभी वीडियोज में बताए थे, यहां पे भी हम बता देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रॉ करना है, देन आफ्टर ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, देन आपको सरफेस को इंक्लाइन करना है, देन आपको फ्रंट व्यू या टॉफी में से एक ड्रॉ करना है, और लास्ट में या तो आप नॉर्मल प्लेन से इंक्लाइन करेंगे या तो ऑक्सिलरी प्लेन से इंक्लाइन करेंगे, तो ये स्टेप्स होती है। अभी फिलहाल सबसे पहले हमने ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रॉ कर लिए, ये जो पहला स्टेप है वो हमने यहां अटेम्प्ट कर लिए ट्रू शेप ऑफ प्लेन, और अब हमें सेकंड स्टेप की तरफ चलना है, सेकंड स्टेप माने ट्रू लेंथ, तो हमें ट्रू लेंथ यहां ड्रॉ करना है। तो ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रू शेप से सभी के सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना पड़ेगा, सभी वर्टिकल प्रोजेक्टर्स आप ऊपर लेके जाओ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो ऊपर मिल जाएगा ट्रू लेंथ। तो फाइनली सभी प्रोजेक्शंस हमने ऊपर लेके गए हैं, और अब हमें ऊपर ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ एक स्ट्रेट लाइन होती है जो या तो पैरेलल टू एक्स वाई होती है या तो इन एक्स वाई होती है, तो यहां पे हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, तो वो हम कहां बनाएंगे, इन एक्स वाई या पैरेलल टू एक्स वाई, तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी, अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी या कॉर्नर इन एचपी, तो आपको ट्रू लेंथ भी इन एक्स वाई ड्रॉ करना है, इसका मतलब इन एचपी माने इन एक्स वाई ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है साइड पैरेलल टू एचपी, एज पैरेलल टू एचपी, तो ही आपको ट्रू लेंथ जो है वो पैरेलल टू एक्स वाई ड्रॉ करना है। अभी हम फिलहाल यहां पे ट्रू लेंथ जो है वो इन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी, इसलिए हम ट्रू लेंथ हम एक्स वाई लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो ए यहां पे आया तो ये हो गया ए डैश, बी और एफ यहां पे आया तो ये हो गया बी डैश स्लैश एफ डैश, देन सी और ई यहां पे आया तो ये हो गया सी डैश स्लैश ई डैश, और डी यहां पे आया तो ये हो गया डी डैश, और अब हम इसको थोड़ा सा डार्क बना देंगे। तो फाइनली हमने यहाँ ट्रू लेंथ को थोड़ा सा डार्क बना दिए, और अब हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था ट्रू शेप ऑफ प्लेन वो ये है, सेकंड स्टेप है ट्रू लेंथ वो ये है, थर्ड स्टेप है सरफेस एंगल। क्वेश्चन में हमें सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया है, क्या प्रॉब्लम चेक करो, बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा है कि सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू द एचपी, इसका मतलब हमें सरफेस को 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है, यानी ही ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना है। तो चलो हम यहाँ पे इंक्लाइन करेंगे, लेकिन इंक्लाइन करते समय आपको कॉर्नर इन एचपी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कॉर्नर इन एचपी, तो हमने ये जो हेक्सागन ड्रॉ किए थे वो हमने लेफ्ट साइड में कॉर्नर लेके ड्रॉ किए थे, ये देखो लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर है, तो ये जो एक कॉर्नर है ये कॉर्नर इन एचपी करो, ये देखो ये कॉर्नर जो है वो इन एचपी करो, ये जो एक कॉर्नर है वो इन एचपी करो, और अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लो सरफेस इंक्लिनेशन एंगल। तो ये देखिए हमने 45 डिग्री से यहां पे एंगल ले लिए सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, ये जो कॉर्नर ए डैश है ये हमने यहां ले लिए, और अब हमें ये ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में लेना है, और ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में लेके आप क्या करेंगे, ये ट्रू लेंथ के सभी पॉइंट जो है वो ये लाइन पे आप मार्क करेंगे। तो ये देखिए ये हमने सरफेस को यहाँ पे 45 डिग्री से इंक्लाइन किया है, इसका मतलब ट्रू लेंथ को इंक्लाइन किया है, और अब यहां से सभी पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमें नीचे टॉप व्यू मिले, ऊपर के पॉइंट्स नीचे लेके आओ और इधर के पॉइंट्स इधर लेके जाओ, सभी के सभी प्रोजेक्शंस यहां लेके आएंगे। तो सभी प्रोजेक्शंस यहां पे आ गए हैं, और अब हम यहां पे सभी के सभी पॉइंट्स पहले मार्क कर लेंगे। इधर से ए का प्रोजेक्टर आ रहा है, इधर से ए का प्रोजेक्टर आ रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हो गया A1, इधर से बी का प्रोजेक्टर आ रहा है, ऊपर से बी आ रहा है तो यहां हो रहा है B1, इधर से सी आएगा, ऊपर से सी आएगा तो यहां मिलेगा C1, इधर से डी आएगा, ऊपर से डी आएगा तो ये हो गया D1, देन इधर से ई आएगा, ऊपर से ई, यहां पे हो गया E1, और लास्ट में ये F1, और अब हम सभी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहां पे टॉप व्यू मिल जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे टॉप व्यू बना दिए, जो हमने स्टेप्स लिख के दिए थे उसके अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से एक ड्रॉ करना होता है, तो हमने टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए। तो ये टॉप व्यू है तो हम इसके अंदर लिखेंगे टीवी, ये ट्रू शेप था, ये ट्रू शेप है, ये ट्रू लेंथ है, ये सरफेस इंक्लिनेशन एंगल है, और ये टॉप व्यू है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कॉर्नर इन एचपी, तो आपने ये कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाया, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में यहाँ कॉर्नर आ गया, और ये देखिए ये कॉर्नर इन एचपी आपने लिए, सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी करें। और अब क्वेश्चन में लिखा है डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वीपी, इसका मतलब जो कॉर्नर एचपी में है
जो कॉर्नर एचपी में है वो कॉर्नर से निकला हुआ डायगोनल ये 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। इसके पहले के वीडियोस में हमने नॉर्मल प्लेन से हमने इंक्लाइन किए थे, लेकिन आज हम ऑक्सिलरी प्लेन से इंक्लाइन करेंगे ताकि दोनों की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाए। तो फिलहाल हम इसको ऑक्सिलरी प्लेन से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो डायगोनल इंक्लाइन करना है हम उसको एक्सटेंड करेंगे और 30 डिग्री का एंगल लेंगे। कौन सा डायगोनल इंक्लाइन करना है, तो ये एडी डायगोनल, ये देखिए यहां ए है ये डी है, ये एडी डायगोनल को हमें इंक्लाइन करना है 30 डिग्री से। तो ये एडी को एक्सटेंड करो और 30 डिग्री का एंगल लो। हमने क्या किया, ये A1 D1 ये जो है इसको हमने एक्सटेंड किए, कहीं पे भी पॉइंट लिए और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 30 डिग्री एंगल पे हमने लाइन बना के रखे हैं। लेकिन ये रेफरेंस लाइन नहीं है, हमें यहाँ पे बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी है, इसका मतलब डायगोनल का ट्रू लेंथ इंक्लाइन है। अभी हमने किसको एक्सटेंड किया, जो डायगोनल को आपने एक्सटेंड किए वो एक्चुअली टॉप व्यू का डायगोनल है। आपने क्या किए, आपने टॉप व्यू के डायगोनल को एक्सटेंड करके इंक्लाइन किए। आपको टॉप व्यू के डायगोनल को इंक्लाइन नहीं करना है, आपको ट्रू शेप के डायगोनल को इंक्लाइन करना है, समझे। आपने यहां पे जो इंक्लाइन किए वो टॉप व्यू के डायगोनल को इंक्लाइन किए, आपको टॉप व्यू के डायगोनल को नहीं, आपको ट्रू शेप के डायगोनल को इंक्लाइन करना है। ट्रू शेप का डायगोनल ये एडी है, ट्रू शेप में ये डायगोनल का लेंथ है, ये उसका ओरिजिनल लेंथ है, यहां पे तो टॉप व्यू में उसका रिड्यूस लेंथ है। हमने यहां पे टॉप व्यू के डायगोनल को इंक्लाइन किए, इसका मतलब रिड्यूस लेंथ को इंक्लाइन किए। हमें रिड्यूस लेंथ को इंक्लाइन नहीं करना है, हमें ये ओरिजिनल लेंथ, ये जो ट्रू लेंथ है, हमें इसको इंक्लाइन करना है। तो उसके लिए यहां पे बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये बीटा एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिए। उसके लिए सबसे पहले हमने ये 30 डिग्री का एंगल तो बना लिए, तो 30 डिग्री वाले एंगल पे अब आप क्या करो, ये 30 डिग्री एंगल वाले लाइन पे डायगोनल का ट्रू लेंथ पहले मार्क करो। डायगोनल का ट्रू लेंथ यहां पे है, ये हमने कहा था, तो डायगोनल का ट्रू लेंथ का लेंथ ले लो। ये देखो, ये डायगोनल का ट्रू लेंथ का लेंथ हमने ले लिए, डायगोनल का ट्रू लेंथ का हमने लेंथ लिए। कंपास का सेंटर यहां रखो और इधर कट करो, कंपास का सेंटर यहां रख के आप इधर कट करेंगे, मतलब ये 30 डिग्री वाली लाइन पे आपको कट करना है। तो ये देखिए, हमने ये हमने यहां पे कट किए, तो देखिए यहां पे कट गया, जहां पे कटा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिए और अब ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे आपको टॉप व्यू का डायगोनल का लेंथ लेना है। टॉप व्यू के डायगोनल का लेंथ, ये टॉप व्यू है तो टॉप व्यू का डायगोनल ये है, तो टॉप व्यू के डायगोनल का लेंथ आप कंपास में ले लेंगे। देखिए, टॉप व्यू के डायगोनल का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, कंपास का सेंटर फिर से वही रखेंगे जहां पे आपने इसके पहले रखे थे, वहीं पे रखेंगे और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे आप कट करेंगे। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे कट किए, यहां पे कट गया, जहां पे कटा वो पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हम यहां पे जॉइन करके यहां पे रेफरेंस लाइन, इसका मतलब एक्स वाई लाइन यहां बना देंगे। तो फाइनली हमने यहां रेफरेंस लाइन बना दिए हैं और ये रेफरेंस लाइन का एंगल हमने यहां पे लिखा है बीटा एंगल, और यही हमें फाइंड आउट करना था। रिजल्ट में आप लिख सकते हैं कि बीटा एंगल कितना है, वो आप प्रोटेक्टर से चेक करके आपको यहां साइड में, राइट साइड में, नीचे में रिजल्ट में लिखना है। तो चलो, फाइनली यहां पे हमने X1 Y1 लाइन बना दिए हैं और अब हम यहां पे जितने भी टॉप व्यू के सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर इधर ड्रॉ करेंगे और इधर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली टॉप व्यू के सभी प्रोजेक्शंस हमने इधर लेके आ गए हैं परपेंडिकुलर टू X1 Y1, ताकि हमें इधर फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो हमें यहां पे अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए इसके पहले के फ्रंट व्यू का यूज करो। इसके पहले का फ्रंट व्यू कहां है, इसके पहले का फ्रंट व्यू यहां है। ये फ्रंट व्यू से लेंथ लो और ये फ्रंट व्यू को आप यहां पे वो पॉइंट्स का लेंथ लेके यहां पे ड्रॉ करो। तो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू के बाद फ्रंट व्यू बनेगा, तो ये फ्रंट व्यू के लिए हम ये फ्रंट व्यू का यूज करेंगे। तो देखिए, ये फ्रंट व्यू का जो पॉइंट ए डैश है, देखिए ये फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश है वो एक्सिस के ऊपर है, तो ये फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश भी एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो ये ए के प्रोजेक्टर पे ये यहां पे मिल गया ए डैश, तो हम इसको कहेंगे A1 डैश, नया नाम देंगे A1 डैश, यहां पे हमें एक्सिस के ऊपर मिल गया। देन हम बी और एफ का लेंथ लेंगे, तो एक्स वाई लाइन से इतना ऊपर है, तो एक्स वाई से कितना ऊपर है वो हमने ले लें, देखे ये हमने ले लिया बी और एफ का लेंथ। ये एफ का प्रोजेक्टर, ये एफ के प्रोजेक्टर ये एक्सिस के ऊपर रखेंगे, यहां मिलेगा F1 डैश, ओके। और ये बी के प्रोजेक्टर पे हम यहां मिलेगा B1 डैश। देन आफ्टर एक्स वाई से सी और ई का लेंथ लेंगे, इतना हाइट पर है, तो एक्स वाई से कितना ऊपर है वो हम ले लेंगे, एक्स वाई से सी और ई इतना ऊपर है, तो ये हमने लेंथ कंपास में ले लिए। ये ई के प्रोजेक्टर पे हम यहां पे रखेंगे, तो हमें यहां मिलेगा E1 डैश। और ये सी के प्रोजेक्टर पे हम यहां रखेंगे एक्स वाई लाइन पे, तो यहां हमें मिलेगा C1 डैश, तो हम यहां नेमिंग दे देंगे, दैट इज C1 डैश, सॉरी ये E1 डैश है और ये है C1 डैश। और अब बचा लास्ट पॉइंट वो D, तो एक्स वाई लाइन से इतना ऊपर है, तो ये D का लेंथ हमने कंपास में ले लिया, एक्स वाई से इतना ऊपर है, और ये D का प्रोजेक्टर हम यहां पे रखेंगे और यहां पे हमें मिल जाएगा D1 डैश। तो फाइनली हमें यहां मिल गया D1 डैश, सभी को अब हम ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे हमें फ्रंट व्यू मिल जाएगा।
तो फाइनली ये फ्रंट व्यू बन चुका है, लेकिन उतना प्रॉपरली अच्छे से आया नहीं है क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक स्केल है, कॉम्पास है और मार्कर पेन है, तो उतना एक्यूरेट बनता नहीं है। लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो हमने रेड कलर से जो भी ड्रॉ किया है वो आपको ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो कि 4H नंबर का रहेगा, और जो भी हमने ब्लैक कलर से यहां पे लिखा है या ड्रॉ किया है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो कि H नंबर का रहेगा। और प्रोजेक्टर्स हमेशा पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था वो सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था अ हेक्सागोनल प्लेन हैज अ कॉर्नर इन एचपी, तो ये देखिए हेक्सागोनल प्लेन का कॉर्नर इन एचपी है। क्वेश्चन में लिखा था कि सरफेस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी, तो ये देखिए सरफेस का एंगल 45 डिग्री। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि डायगोनल थ्रू द कॉर्नर इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वीपी, इसका मतलब डायगोनल का ट्रू लेंथ इंक्लाइंड है, तो हमने डायगोनल के ट्रू लेंथ को यहां पे 30 डिग्री इंक्लाइंड किए और उसके लिए हमने बीटा एंगल फाइंड आउट किए। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके 3 प्रॉब्लम्स किए थे, उसके साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और आपको अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्टडी करना है तो आप हमारे नए चैनल को विजिट करिए, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाए हैं। हमारे नए चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और इसका लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।